झारखंड प्राकृतिक संपदा से समृद्ध असीम संभावनाओं का राज्य। झारखंड महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के आदर्श धरती आबा बिरसा मुंडा की कर्म भूमि। पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा झारखंड के समग्र विकास और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झारखंड की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाली 7000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं। KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट CCL का शिलान्यास। इस अत्याधुनिक कोल हैंडलिंग प्लांट के बनने से कोयले के परिवहन एवं लोडिंग क्षमता में होगी वृद्धि और कोयले की निर्बाध आपूर्ति होगी सुनिश्चित। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करते हुए आज झारखंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण और IIT ISM धनबाद में नवनिर्मित एक्वा मरीन स्टूडेंट्स हॉस्टल का राष्ट्र को समर्पण। झारखंड के इन उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नए परिसरों के निर्माण से शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अत्याधुनिक वातावरण में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। यहां वर्ल्ड क्लास माहौल में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में दे सकेंगे अपना भरपूर योगदान। पूरे देश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में आज झारखंड में NH 133 के महगामा हंसडीह खंड को फोर लेन में बदलने एवं वासुकीनाथ देवघर खंड को फोर लेन में परिवर्तित करने का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इनके निर्माण से खनिजों एवं अयस्कों का तेज परिवहन हो सकेगा, जिससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रगति होगी। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम एवं वासुकीनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुँच होगी आसान। वही आज बोकारो में POL डिपो का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। आज झारखंड राज्य के रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स में आएगी कमी। इसके अतिरिक्त पतरातू जरंगडीह रेल खंड का दोहरीकरण, हटिया पकरा रेल खंड का दोहरीकरण और तालगढ़िया बोकारो रेल खंड का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहां वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो सकेगा संभव। इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से न केवल झारखंड के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण के संकल्प को भी पूरा करने वाली सिद्ध होगी।